विधानसभा चुनाव 2018 के तहत नामांकन को लेकर शनिवार को पचपदरा से कांग्रेस के मदन प्रजापत व भाजपा से अमराराम चौधरी ने दल बल के साथ सभा का आयोजन किया और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इसी तरह चौहटन से भाजपा के आदुराम व कांग्रेस के पद्माराम मेघवाल, शिव से भाजपा के कुमार सिंह और बाईतू से बसपा के किशोर सिंह कानोड़ ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। विधानसभा चुनाव 2018 की नामांकन प्रक्रिया को लेकर नामांकन दाखिले का कार्य शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। गुड़ामलानी से बीजेपी प्रत्याशी लाधुराम बिश्नोई ने जनसभा कर शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। सभा में बड़ी संख्या में बीजेपी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता व जन सैलाब उपस्थित रहा। बीजेपी प्रत्याशी व मौजूदा विधायक लाधुराम बिश्नोई ने विकास के बलबूते फिर से जीतने व सरकार बनाने की बात कही। विकास के सारे मुद्दे, किस प्रकार के मुद्दे मुख्य रहेंगे? जैसे पानी के बाद ये ट्यूबवेल, मेरे ट्यूबवेल मैंने 256 खोदे, अभी भी मेरे वो है जितने भी आगे ट्यूबवेल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करूँगा। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में जितने भी कनेक्शन पेंडिंग है इसमें एवरेज एक डोमेस्टिक कनेक्शन में 4 थम्बे लगते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे काम आदरणीय नरेंद्र मोदी के जो आगे मार्च 2019 आ रहा है उससे पहले पहले हम जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शिव से बीजेपी प्रत्याशी कुमार सिंह सोढ़ा के समर्थन में सभा का आयोजन हुआ। सभा को सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, पूर्व विधायक हरी सिंह सोढ़ा, गिरधर सिंह कोटड़ा ने संबोधित किया। सभा के साथ हजारों के जनसैलाब के समक्ष कुमार सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। शिव से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान की ओर से सभा का आयोजन हुआ। सभा को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चित्रा सिंह, फतेह खान ने संबोधित किया। सभा को सात हजारों के काफिले के साथ कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान ने रिटर्निंग ऑफिसर नानुराम सैनी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। पचपदरा से बीजेपी प्रत्याशी अमराराम चौधरी की हनुमंत धर्मशाला में व कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापत की भगत सिंह सभा स्थल पर जनसभा आयोजित हुई। जनसभा के बाद बीजेपी व कांग्रेस प्रत्याशी ने हुजूम के साथ नामांकन दाखिल किया व अपनी अपनी जीत के दावे किए। ये कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह देख करके मुझे अब उनका ऋण तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी होगी और यहाँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अपने राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जो उत्साह है, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए लोगों में ये उत्साह है। दूसरा, राष्ट्र की एकता अखंडता अटूट रखने के लिए ये जो पार्टी है वो ही आगे आ रही है। बाकी ने जो है आज दिन आप देख रहे हो कि दूसरों में अपने आप ही पार्टी वाले टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आज 19 जो है राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है। चौहटन से कांग्रेस प्रत्याशी पद्माराम मेघवाल के समर्थन में बलदेवराम मिर्धा किसान छात्रावास में सभा का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रत्याशी आधुराम मेघवाल की सभा ग्राम पंचायत मैदान में आयोजित हुई। बीजेपी सभा को सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, रूप सिंह, हिंदू सिंह, रतन सिंह बाखासर, प्रधान कुंभाराम सेवरन ने संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी पद्माराम मेघवाल की सभा को पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, गफूर अहमद ने संबोधित किया। सभा पश्चात आदुराम व पद्माराम ने बीजेपी कांग्रेस के ध्वजों के साथ रोड शो कर नामांकन दाखिल किया व जीत के दावे किए। पार्टी ने सुरक्षित सीट चौहटन से मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं इस क्षेत्र के लिए विशेष करके जो है हमारी नर्मदा नहर है उसको, उसका जो है विस्तार के बारे में मेरी प्रमुखता से ये काम रहेगा। उसके बाद में शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारी पूर्व सरकार ने
यहाँ चौटन के अंदर महाविद्यालय खोला है हमारे धनाऊ और पेड़वा के जो है महाविद्यालय, हमारे यहाँ के युवा जो शिक्षा अर्जित करने वाले युवा है, हमारे यहाँ के लोकल लीडर भाई कपूर अमन जी, भाई हरीश जी और हमारे सतीश कुमार के नेता वरिष्ठ नेता हिमाराम जी के आशीर्वाद से मेरे को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चौटन की जनता की आवाज़ ही मेरा काम है और इनकी आवाज़ के आधार पर ही मेरे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। मैं उनकी आवाज़ पे खरा उतरने की पूरी कोशिश। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति, कितने आश्वस्त हैं? ये तो जनता की मेहरबानी है, जनता पंचायतों पर माई बाप होती है, जनता की जो आवाज़ है उसके आधार पर ही मेरे को उम्मीदवार बनाया। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि चौटन विधानसभा की जनता मेरे को विजय बनाएगी। गुड़ामलानी से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हनुमान राम चौधरी ने सभा कर नामांकन दाखिल किया। बायतू से बसपा प्रत्याशी किशोर सिंह कानोड़ ने रोड शो कर नामांकन दाखिल किया।